हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप सब देख रहे हैं सीए जर्नी विद नितिन यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को, आपको पता है, जितना भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो आता है मैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। आप सभी को मालूम है। तो पहले तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी आने वाली अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे और जल्दी से जल्दी मिले। आज मैं बात करने जा रहा हूं, आपके सामने दिख ही रहा होगा आप सभी को, मैं बात करूंगा सीए इंटरमीडिएट पासिंग परसेंटेज एनालिसिस। आज मैं सीए इंटरमीडिएट पासिंग परसेंटेज एनालिसिस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि ये मतलब हम क्या एनालिसिस करके बैठे हैं। हम डेटा को कलेक्ट किए हुए हैं, हमने डेटा को कलेक्ट किया है आपके लास्ट 3 अटेम्प्ट को लेकर के, ठीक है? तो लास्ट 3 अटेम्प्ट हमारे पास है, अटेम्प्ट मई 2022, नवंबर 2022, मई 2023। इसमें क्या क्या पासिंग परसेंटेज आपकी रही है? देखिए, बात कर लेते हैं ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 में मई 2022 में जब आपका एग्जाम हुआ था, तो ग्रुप 1 की 13.30% रिजल्ट परसेंटेज रही थी। ग्रुप 2 की 12.45% रिजल्ट परसेंटेज रही है, और बोथ ग्रुप की 5.46% आपकी मई 2022 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे रही है। इसका मतलब नवंबर 2022 पे जब हम गए तो 21.19% आपका ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज रहा, ग्रुप 2 का 24.44% रहा, और बोथ ग्रुप का 12.72% रहा। यानी कि अगर मैं यहां से यहां पे देखूं तो ये आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है समझ में? यहां से आपका जो है वो है इंक्रीजिंग ट्रेंड। कितना इंक्रीजिंग ट्रेंड है आप सोच सकते हैं? 13.30% से सीधा 21.19% पे जंप किया नवंबर 2022 के अंदर आपका ग्रुप 1 परसेंटेज। और ग्रुप 2 की बात करें तो 12.45% से सीधा जंप करके 24.44% यहाँ पे जंप किया है। और बोथ ग्रुप भी काफी काफी अच्छा खासा रिजल्ट 12.72% रहा था। इसका मतलब नवंबर 2022 इज अ गोल्डन अटेम्प्ट था आपका, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के। मई 2023 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मई 2023 में जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, दैट इज 18.95%, यानी कि ग्रुप 1 आपका 18.95% और ग्रुप 2 23.44%, ग्रुप 2 को मिला करके जो बोथ ग्रुप का है 12.24%। तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जब हम नवंबर 22 से मई 23 पे गए, तो यहां से आपका क्या हुआ? डिक्रीजिंग ट्रेंड हुआ। यहां से आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड हुआ, परसेंटेज में डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला, राइट? नवंबर 22 से मई 23। और अगर मैं मई 22 से नवंबर 22 पे जाऊं, तो यहां आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट? तो यहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड और यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो अगर मैं बात करूं नवंबर 23 के रिजल्ट्स की, नवंबर 23 के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या परसेंटेज रहनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था आपका। सभी को मालूम है आपका लास्ट अटेम्प्ट था नवंबर 23। तो ग्रुप 1 की अगर मैं पासिंग परसेंटेज बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ग्रुप 1 जा सकता है आपका 15 to 18%, 15 to 18% ग्रुप 1 जा सकता है, और नवंबर 23 जा सकता है आपका 18 to 20%, 18 to 20%, और बोथ ग्रुप जा सकता है आपका अप्रोक्सीमेटली 13 to 15%, 13 to 15%, ठीक है? तो आपकी जो पासिंग परसेंटेज है नवंबर 23 की, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप, अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ 15 to 18% के आसपास रहने वाली है, राइट? 18% to 20% ग्रुप 2 रहने वाला है, और बोथ ग्रुप रहने वाला है आपका, दैट इज 13 to 15%, ये आपका बोथ ग्रुप रहने वाला है, ठीक है? तो एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई एस्टिमेशंस, आप चेक कर सकते हैं नवंबर 23 में ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स, ये पासिंग परसेंटेज आपकी रहने वाली है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, वट एवर द डेटा वी हैव कलेक्टेड, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। एबल टू अंडरस्टैंड? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।